ओम शांति। अज 5/11/2024 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे ड्रामे की श्रेष्ठ नॉलेज तुसी बच्चियां कोल ही है। तुसी जानते हो ये ड्रामा हूब हू रिपीट हुंदा है। अज बाबा ने अपने बच्चियां नू प्रश्न पूछया, प्रवृत्ति वाले बाबा तो किहड़ा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्होंने की राय देंदे है। अज बाबा का उत्तर है, कई बच्चे पुछते हैं बाबा असी धंधा करिए, बाबा कहते बच्चे धंधा भावें करो पर रायल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि दा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हां तो होर ही विकारा की खिच हुंदी है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों नूं समझा रहे है। हुण एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूजी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहांगे, रावण नूं बाप तो नहीं कहांगे ना, वो है रावण की आसुरी मत। हुण तुसी बच्चों नूं मिल रही है ईश्वरीय मत। किन्ना राह देन दा फर्क है, बुद्धि विच आउंदा है। ईश्वरीय मत तो दैवी गुण धारण करते आए हाँ, ये सिर्फ तुसी बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो, होर किसी नूं पता नहीं पैंदा है। बाप मिलते ही है संपत्ति दे लई, रावण नाल तां होर ही संपत्ति घट हो जाती है। ईश्वरीय मत कित्थे लै जाती है अते आसुरी मत कित्थे लै जाती है, ये तुसी ही जानते हो। आसुरी मत जदों मिलती है तुसी थले डिगदे ही आउंदे है, नहीं दुनिया विच थोड़ा थोड़ा ही डिगदे है। डिगना किवें हुंदा है, फिर चढ़ना किवें हुंदा है, ये भी तुसी बच्चे समझ गए हो। हुण श्रीमत तुसी बच्चों नूं मिलती है, फिर तो श्रेष्ठ बनने दे लई तुसी आए ही हो। श्रेष्ठ बनने दे लई तुसी जानते हो असी फिर श्रेष्ठ मत किवें पावांगे। कई बार तुसी श्रेष्ठ मत नाल ऊंच पद पाया है, फिर पुनर जन्म लैंदे लैंदे थले डिगदे आए हो, फिर एक ही बार चढ़ जाते हो। नंबरवार पुरशार्थ अनुसार तां हुंदे ही है, बाप समझाउंदे है, टाइम लगता है। पुरशोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एकूरेट ड्रामा बहुत एकूरेट चलता है अते बहुत वंडरफुल है। बच्चों नूं समझ विच बहुत सहज आता है। बाप नूं याद करना है अते वरसा लेना है बस। परंतु पुरशार्थ करते हैं तो कईयां नूं मुश्किल भी लगता है, इन्ना उच्चे तो उच्चा पद पाना कोई सहज थोड़ी ना हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद अते सहज वरसा बाप दा है सैकंड दी गल है। फिर पुरशार्थ करन लगदे है तां माया दे विघन भी पैंदे है, रावण ते जित पाउणी हुंदी है। सारी सृष्टि ते इस रावण दा राज है। हुण तुसी समझदे हो असी योग वल नाल रावण ते हर कल्प जित पाउंदे आए हो, हुण भी पा रहे है। सिखाउण वाला दा है बेहद दा बाप। भगती मार्ग विच भी तुसी बाबा बाबा कहिंदे आए हो, परंतु पहले बाप नूं नहीं जानते सी, आत्मा नूं जानते सी। कहिंदे सी ब्रूकुटी दे विच चमकता है एजब सितारा। आत्मा नूं जानते हुए भी बाप नूं नहीं जानते सी, किवें दा विचित्र ड्रामा है। कहिंदे भी है हे परम पिता परमात्मा, याद करते सी फिर भी जानते नहीं सी। ना आत्मा दे आकूपेशन नूं ना परमात्मा दे आकूपेशन नूं पूरा जानते सी। बाप ही खुद आके समझाते हैं, बाप बिना कदे कोई रिलाइज करवा नहीं सकता। किसी का पार्टी नहीं है, गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय आसुरी संप्रदाय अते दैवी संप्रदाय है, बहुत सहज। पर यह गल्लां याद रहन विच इस विच भी माया विघन पाउंदी है, भुला दिंदी है। बाप कहिंदे है नंबरवार पुरशार्थ अनुसार याद करते करते जदों ड्रामे का अंत होवेगा, मतलब पुरानी दुनिया का अंत होवेगा, तो नंबरवार पुरशार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रां तो यह गल कोई समझ नहीं सकता, गीता दी तो इसने भी ब्रह्मा बहुत पढ़ी ई है ना। हुण बाप कहिंदे है इस दी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भगती विच कनरस बहुत मिलता है इसलिए छड़दे नहीं। तुसी जानते हो सारा मदार पुरशार्थ दे है। धंधा आदि भी किसी दा रॉयल हुंदा है, किसी दा चीची धंधा हुंदा है, शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते है। ये धंधा तो बहुत खराब है, शराब सब विकारा नूं खिंचदी है। किसी नूं शराबी बनाना ये धंधा चंगा नहीं।
ਬਾਪ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਊਂਚ ਵੱਧ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਲਖਪਤੀ ਬਣੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਪਦਮਾ ਪਦਮ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਸੋ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੋ। ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸੂਰੀ ਗੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਪ ਕਲਪ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੱਸੀ ਗੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਥ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਾਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੋਸ਼ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਬਲਾਵਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਸੂਰੀ ਮਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਸੁੱਖ ਧਾਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਜੇ ਹੈ ਹੀ, ਕਲਪ ਕਲਪ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਰੋਬਰ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਟਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਪਾਠ ਨੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਬੋਲੋ। ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹ, ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ ਮੱਧਿਆ ਜੀ ਭਵ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰ 5000 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਕਾਇਆ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਲਾ ਕੱਟ ਕਲਾ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਜਨਮੰਤਰ ਵੈਸ਼ਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
पहले पुण्य आत्मा सी, फिर पाप आत्मा बने, हुण फिर पुण्य आत्मा बनते हाँ। ये तुसी बच्चियां नूं नॉलेज मिल रही है। फिर तुसी दूसरियां नूं देख के आप समान बनाते हो, ग्रस्त व्यवहार विच रहिंदे, फर्क ते रहिंदा है ना, वह इन्ना नहीं समझ आ सकते जिन्ना तुसी, परंतु सारे दे नहीं छड़ सकते है। बाप खुद कहते हैं ग्रस व्यवहार विच रहिंदे कमल फुल समान बनना है, सब छड़ के आन दे ता किन्ने सारे बैठणगे किथे। बाप नॉलेजफुल है, वह कोई भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है, ये ब्रह्मा शास्त्र आदि पढ़िया होया है। मेरे लिए तो कहते हैं गॉडफादर इज नॉलेजफुल। मनुख यह भी जानते नहीं है कि बाप विच केड़ी नॉलेज है। हुण थानू सारी सृष्टि दे आदि मध्यंत दी नॉलेज है। तुसी जानते हो यह भगती मार्ग दे शास्त्र भी अनादि है। भगती मार्ग विच यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टुट गया फिर बनेगा किमें, पर यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते हैं फिर अपने समय से उ बनते हैं। असी पहले पहले शिव की पूजा करते हाँ, यह भी शास्त्रां विच होगा ना। शिव की भगती किमें की जाती है, किन्ने श्लोक आदि गाते हैं, तुसी सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। वह हले सानू ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने थोनू समझाया है ये सृष्टि का चक्कर किमें फिरदा है। शास्त्रां विच इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिता है जो कदे श्रीमत विच आ भी ना सके। तो बच्चे नू अंदर विच किन्नी खुशी होनी चाहिए है। बेहद दा बाप सानू पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है। स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट। भगवान नू वाच परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, मैं थोनू इन्हां राजावां दा राजा बनाता हाँ, होर किसी शास्त्रां विच ये गल्लां है नहीं। ऊंचे तो ऊंचा प्राप्ति है ही ए। असल विच गुरु ता एक ही है जो सब दी सदगति करते हैं। भावें स्थापना करने वाले नू भी गुरु कह सकते हाँ, पर गुरु ओ जो सदगति देवे। यह तो अपने पछाड़ी सब नू पाठ विच ले आउंदे है, वापस ले जाण दे लई रास्ता ते दसदे नहीं। बरात ता शिव बाबा दी ही गाई होई है, होर किसी गुरु दी नहीं। मनुखां ने फिर शिव अते शंकर नू मिला दिता है। किथे ओ सूक्ष्म वतन दा वासी, किथे ओ मूल वतन वासी, दोवें एक हो किमें सकदे, इह भगती मार्ग विच लिख दिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे न। ब्रह्मा दे भी तुसी समझा सकते हो, इन्हां नू अडॉप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरिया ना। ऊंचे तो ऊंचा है बाप, बाकी यह है उन्हां दी रचना किन्नियां ये समझण दीयां गल्लां है। अच्छा, मिठे मिठे सिक्की लदे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नूं नमस्ते। धारना लई मुखिया साहब नंबर एक पर अविनाशी ज्ञान रत्ना दा धंधा कर 21 जन्म दे लई पदमा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, साडे विच कोई आसुरी गुणता नहीं है। असी अजिहा कोई धंधा ते नहीं करदे जिस नाल विकारां दी प्रवेशता होवे। नंबर दूजा, याद दी यात्रा विच रह सारी सृष्टि नूं सदगति विच पहुंचाउणा है। एक सतगुरु बाप दी श्री मत ते चल के आप समान बनाउण दी सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कदे कला रहित ना बना देवे। वरदान है जदा बुराई विच भी अच्छाई दा अनुभव करन वाले निश्चय बुद्धि फराक दिल बादशाह भव। बुराई विच भी अच्छाई दा अनुभव करन वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। आज बाबा आखते ने सदा इस स्लोगन याद रहे कि जो होया चंगा होया, चंगा है तो चंगा ही होना है। बुराई नू बुराई दे रूप विच ना देखो, पर बुराई विच भी अच्छाई दा अनुभव करो। बुराई तो भी अपना पाठ लवो। कोई भी गल आवे की होवेगा, ये संकल्प ना आए पर फौरन आए कि अच्छा होवेगा। बीत गया चंगा होया, जिथे चंगा है उत्थे सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन अज दा, जो खुद नूं अते दूसरे नूं रिगार्ड दिंदे हैं उन्हां दा रिगार्ड सदा ठीक रहिंदा है। जो खुद नूं अते दूसरियां नूं रिगार्ड दिंदे हैं उन्हां दा रिकार्ड सदा ठीक रहिंदा है। ओम शांति।